हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। iOS 13.7 का अपडेट यहाँ पर आ चुका है एप्पल की तरफ से, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था iOS 13.6.1 ही फाइनल वर्जन होने वाला है iOS 13 का, और उसके बाद हमें सीधा iOS 14 का अपडेट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर iOS 13.7 का अपडेट एप्पल ने दिया है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि क्या आपको नया देखने को मिलने वाला है iOS 13.7 के अंदर, और क्या आपको iOS 13.7 के ऊपर अपडेट करना चाहिए या फिर ये अपडेट स्किप करना चाहिए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आईफोन और एप्पल से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी अपडेट साइज की। तो इसका अपडेट साइज 157.6 MB का आपको देखने को मिलता है। अगर आपके पास यहाँ पे डिफरेंट मॉडल का आईफोन है तो इसके अंदर आपको अपडेट साइज जो है वो ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि आपके फोन का अपडेट साइज है वो कम है या फिर ज्यादा है, क्योंकि ये मॉडल टू मॉडल पे डिपेंड करता है। सो अभी हम बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो जब मैं iOS 13.6 के ऊपर था तो मेरा स्टोरेज 13.6.2 MB जो फ्री स्पेस था वो था, और iOS 13.7 अपडेट करने के बाद मेरा फ्री स्पेस 36.98 GB है। तो यहाँ पे मेरा स्पेस है वो कम हुआ है। सो ये स्पेस जो है मेरा वो थोड़ा सा ही कम हुआ है, तो इसमें कोई बड़ी इश्यू की बात नहीं है। सो अभी हम बात कर लेते हैं क्या कुछ नया देखने को मिलता है आपको iOS 13.7 के अंदर। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स के अंदर जाऊंगा, और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सपोजर नोटिफिकेशन का एक नया फीचर देखने को मिलता है। पहले ये छुपा हुआ था सेटिंग्स के अंदर कहीं पे, अभी ये बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे टर्न ऑन करता हूँ तो यहाँ पर कंटिन्यू के लिए बोलता है कोविड एक्सपोजर नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे भी इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया को जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर दिखा हुआ आ रहा है एक्सपोजर नोटिफिकेशन आर नॉट करंटली अवेलेबल, जिसका मतलब है कि इंडिया के अंदर ये वाला जो फीचर है वो काम नहीं करेगा। सो इसी फीचर के लिए यहाँ पे एप्पल ने iOS 13.7 का अपडेट दिया था, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, और आपको बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू 13.6.1। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप iOS 13.7 अपडेट करना चाहते हो या नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ये उतना बड़ा अपडेट नहीं था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नए हो चैनल के ऊपर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।